अगर आपके पास वोडाफोन या फिर आइडिया का नंबर है और आप 30 करोड़ भारतीयों में से हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि कुछ समय पहले रूमर चला था कि वोडाफोन आइडिया जो है इंडिया के अंदर अपना जो बिजनेस है वो बंद करने वाला है, लेकिन उसके जस्ट बाद जो कि यूके की फॉर्म है वोडाफोन, वहां से क्लियर किया गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और आने वाले टाइम के अंदर कोई भी बंद करने का प्लान नहीं है। लेकिन फिर से इस खबर को हवा दे दी है वोडाफोन के सीईओ निक रेड ने। उन्होंने क्या कहा है और क्या आपका नंबर बंद हो जाएगा, जियो का इसमें कितना बड़ा हाथ है और आने वाले टाइम में वोडाफोन का क्या फ्यूचर होने वाला है। दोस्तों, 3-4 पॉइंट्स के ऊपर मैं आपसे बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्फॉर्म कर सकूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और शेयर करना इस इन्फॉर्मेशन को नहीं भूलिएगा, क्योंकि 30 करोड़ लोगों के नंबर का सवाल है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि वोडाफोन के अंदर क्या चल रहा है। आप लोगों को मालूम होगा कि वोडाफोन जो है एक इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी में से है। मतलब कि एक टाइम में, मतलब 2 से 3 महीने पहले 33 से 34 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे उसके। मतलब ये कि इंडिया का नंबर वन वो प्लेटफॉर्म हुआ करता था। आज के डेट में जियो ने उसको टेक ओवर कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी उनके पास काफ़ी बड़ी संख्या में नंबर्स हैं। तो क्या हुआ कि जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कुछ समय पहले और जो ऑर्डर दिया था उसके हिसाब से 92,000 करोड़ रुपए के आसपास पे करने हैं जो टेलीकॉम कंपनी है उसको, गवर्नमेंट को। उसके अंदर वोडाफोन का हिस्सा सबसे ज़्यादा है, लगभग 28,000 करोड़ का, और ये अमाउंट वोडाफोन को सबसे ज़्यादा चिंतित कर रहा है। इसी अमाउंट के आने के बाद वोडाफोन के बंद होने की बात चली थी जिसको क्लियर कर दिया गया था, लेकिन अभी फिर से ये चीज़ें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, तो इसके बारे में कारण क्या है मैं बता दूँ आपको। आप लोगों को मालूम हुआ कि 2016 के अंदर जियो का लॉन्च होता है और जियो का लॉन्च होने के साथ ही जो प्राइसेस थे वो काफ़ी कम हो गए। आप लोग पता है कि 256 में 1 GB जो इंटरनेट आपको मिलता था वो कितना कम हो गया आज की डेट में। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई रेवेन्यू के अंदर कंपनीज के, और रेवेन्यू के अंदर जब गिरावट आती है तो उनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसके अंदर गिरावट नहीं आते। जो पहले उनका ऑपरेशनल कॉस्ट था वही रहा और उनका रेवेन्यू में गिरावट आ गई। तो इससे क्या हुआ कि बैलेंस शीट है वोडाफोन का वो बिगड़ता चला गया, जैसे कि एयरटेल का हालत है। अब बात ये हो रही है कि वोडाफोन इंडिया के अंदर बिजनेस क्यों बंद करना चाहता है। तो अभी से 28,000 करोड़ रुपये तो उनको पे करने ही करने हैं, जो कि गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा भी अपना रवैया नरम नहीं कर रही है, और साथ ही साथ आने वाले कुछ समय के अंदर 5G के ऑप्शन होने वाले हैं। दोस्तों, जियो जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है और जिस हिसाब से उसके अंदर पैसा रिलायंस डाल रही है, मुकेश अंबानी जी डाल रहे हैं, उस हिसाब से जियो पूरे इंडिया के अंदर कैप्चर कर लेने वाला है। जियो मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ वोडाफोन के पास पैसे होने चाहिए 5G स्पेक्ट्रम लेने के लिए इंडिया के अंदर। अब एक कंपनी इसी कंट्री में काम कर रही है तो उसी कंट्री के रेवेन्यू से वहां पे वो पैसा लगाना चाहती है, या फिर कुछ पैसे बाहर से इंक्लूड करना चाहती है अपने पैरेंट कंपनी के साथ। लेकिन जब वहां पे उसको रेवेन्यू जनरेट होता है नहीं दिखेगा और उसको उसको बेनिफिट नहीं दिखेगा कि यहां से बेनिफिट हो रहा है मुझे, तो वो कंपनी क्यों वहां पे पैसा लगाएगी। तो दोस्तों, यही बात है कि जब 5G ऑक्शन से उनको बेनिफिट होता हुआ दिखता नजर नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ये बार बार कह रही है कि उसका रेट जो होने वाला है वो काफी ज्यादा हाई होने वाला है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वोडाफोन जो है एग्जिट करने के प्लान में है, लेकिन अभी कंफर्मेशन इसके ऊपर नहीं आई है। उन्होंने ये बोला हुआ है कि उनके तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं बोला कि वो बंद करने वाले हैं। अब अगर आपके पास वोडाफोन का नंबर है तो क्या आपका नंबर बंद हो जाएगा? दोस्तों, बिल्कुल नंबर बंद नहीं होने वाला है। जब कोई कंपनी टेलीकॉम बंद होती है किसी देश के अंदर तो उसका बिजनेस किसी ना किसी कंपनी के अंडर आ जाता है। जब उसका बिजनेस किसी कंपनी के अंडर आएगा तो आपका नंबर उस कंपनी के हिसाब से चलेगा और आपको पूरा का पूरा समय दिया जाएगा पोर्ट करने के लिए, अगर आप पोर्ट करना चाहते हो तो, या फिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है और आपका काफी अच्छे अच्छे जगह पे, जैसे कि बैंक और बहुत जगह इंपॉर्टेंट जगह पर दिया गया नंबर, तो आपको लग रहा हो कि ऐसा होगा कि बंद हो जाए तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर 1-2 दिन के लिए भी बंद हो जाता है दिक्कत होगी, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला। दोस्तों, पैनिक क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीजें चल रही हैं मार्केट के अंदर, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समस्या है नेटवर्क के अंदर, अगर आपको समस्या है उसके प्लान्स के अंदर, या आपको समस्या है कि नहीं मुझे वोडाफोन नहीं रखना है, तभी आप वोडाफोन से पोर्ट करें, अदरवाइज अभी आपको पोर्ट करने की जरूरत नहीं है। काफी लोग पोर्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन आपको तब तक वेट करना चाहिए जब तक कि आपको समस्या आपके ये 3 जो मैंने बताई उसमें से नहीं है, क्योंकि पोर्ट करना जो है किसी भी समस्या का हल नहीं है। हो सकता है कल को एयरटेल के बारे में सेम बात चलने लगे मार्केट के अंदर, तो आप लोग अभी वोडाफोन के साथ बने रहिए। आने वाले समय के अंदर अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा निकल के आता है कि अब आपको पोर्ट कर लेना है, तो आप लोगों को पोर्ट करने में कितना समय लगने वाला है। जियो जो है मुंह खोल के बैठा हुआ है, जितनी ज़्यादा पोर्टिंग करेंगे उतनी ज़्यादा फटाफट वो ले लेंगे नंबर्स को, और साथ ही साथ एयरटेल की तरफ से भी फुल ऑफर मिलने वाला है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जो वोडाफोन के बंद होने
होने के कारण थे वो 5G स्पेक्ट्रम, ये पैसे जो देने हैं गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ जियो का प्रेशर जो बना हुआ वोडाफोन के अंदर, और पोर्ट करने की समस्या के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने कुछ ऐसे बातें आपको बताई हैं जिसके बारे में शायद आपको नॉलेज ना हो। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और कोशिश कीजिए नोटिफिकेशन के साथ वीडियो देखने का। थैंक यू सो मच अगेन।